तो गाइस आज हमारा शादी है और इस वीडियो में पूरा फुल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा दूरा है दरवाज़ा, जहाँ डीजे वीजे लगा हुआ है, और अपने घर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। जो आपको दिखाएंगे सनेस वगैरह जाता है कुमारी भार, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये पूरा रेडी है और यहाँ सिर्फ पैक होगा और यहाँ से चला जाएगा। तो आज पूजा मटकोर है और पूजा मटकोर का विध व्यवहार कैसे क्या होता है वो सभी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें और मेरा शादी को एंजॉय करें। ये मेरा गोसाई घर है। तो गाइस पूजा मटकोर का भोज तैयार हो रहा है, जिसमें हम भी बैठे हुए हैं, मेरे साथ दोस्त यार सब भी है, और मिस्त्री भी खाना बना रहे हैं, और पूजा पाठ का भोज का तैयारी हो रहा है। तो गाइस सभी ये जलरान है जो काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं और ये मेहनत कर रहे हैं। सभी का खाना तैयार हो रहा है, तो सभी खाना पूरा खा के यहाँ से मटकोर के तरफ निकल कर रवाना हो जाएंगे। और पूजा भी साइड में शुरू है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो गाइस चलिए आगे देखते रहें। गाइस ये ब्लॉग मैं अपने यादगार के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें डी एस की दुनिया के साथ, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक हमारा यादगार है, शादी में क्या कैसे हुआ वो सभी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। गाइस लाइक ज़रूर आप जहाँ कहीं भी हो जल से जल कष्ट आने करे जल से जल आने का कष्ट कीजिए। हाँ तो गाइस हम निकल पड़े हैं मटकोर खनने के लिए, और रोड में हमारे साथ सभी है, मेरे घर परिवार लोग जा रहे हैं साथ में, और कुछ ही दूर पे मटकोर का विधि होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहे। तो गाइस शुरू हो चुका है मटकोर का विध व्यवहार, और आप देख रहे हैं कि कुदाल रखकर पूजा होता है गांव घर में, और उस पर ही पूजा होता है, और कुदाल से ही खाना जाता है पांच बेर। उस पर सिंदूर टिकली जो भी होता है विध व्यवहार वो सब रखा जाता है, तेल लगाया जाता है, पिठार लगाया जाता है, और वहीं पे पानी से नहलाया जाता है, तब जाके मटकोर का पूर्ण विधि पूरा होता है। तो गाइस ये वीडियो इसीलिए आपको एक यादगार के लिए बनाए हैं। तो सभी मेरे साइड में सभी मेरे रिलेशन सब है और सब विध व्यवहार में लगे हुए हैं। तो चलिए और आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस मटकोर का विध व्यवहार तो ख़त्म हुआ, नहा भी लिए, और ठंडी का समय है, थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है, और हम तैयार होकर खड़े हैं, और फिलहाल चलेंगे और इसके बाद घर पे थोड़ा इंजॉय होगा, डांस होगा, मस्ती होगा, फिर आगे का विध व्यवहार पूरा होगा और आगे भी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो गाइस चलिए, वही से डांस का कार्यक्रम शुरू है, और डांस का तब तक आप लोग देखिए व्यू कीजिए, सभी लोग गुस्सा और सब आपस में डांस कर रहे हैं। और इसके बाद का कल का व्यू, कल का क्या विध व्यवहार है इसके नेक्स्ट अगले थोड़े ही देर के बाद आपको वो भी विध मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये मेरा छोटी भतीजी है गोद में है, और सभी लोग आपस में डांस कर रहे हैं, मेरे दीदी सब है, मेरे माँ है, मेरे जीजा जी सब है, सभी है, मेरी भांजी लोग सब है, सभी मस्त डांस कर रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा डांस कर लिया। गाइस कैसा लगा मेरा ये डांस थोड़ा ज़रूर बता, और एंजॉय करते रहें। चलिए और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बड़ा नहीं करें, और फिलहाल आगे की ओर देखते हैं।
कोई सीए है महारानी मैया नौ देवी, जो नौ बहन हैं उनका पूजा यहाँ होता है, और यहाँ से पूजा होने के बाद ही आगे वीर व्यवहार सब होता है। तो महारानी स्थान का ये दृश्य है, तो आगे भी चलिए दिखाते हैं। इस रथ पे हम सवार हो चुके हैं और बारात के लिए प्रस्थान है, और आगे ये साथ में मेरे बच्चे लोग हैं। इस बारात लोग सब भी एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सब अच्छे से उनको मस्ती किए और बारात का एंजॉय किए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज फिर हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ये शादी सीजन ख़त्म हुआ और परिवार के साथ है, और परिवार हमारा आज सभी विदाई के समय पर है, तो सोचे आज सभी परिवार एक साथ एक ब्लॉग में आए और हमारे एक नए इतिहास बनाए। तो गाइस चलिए हम सबसे अपना परिचय करवाते हैं कि हमारा कौन क्या है, आपको भी दिखाते हैं। गाइस ये मेरे सामने मेरे सबसे बड़ी दीदी है, उसके ठीक सामने वो मेरी भांजी खड़ी है, ये भतीजी है, और ये मेरे बड़े जिया जी है, और उसके ठीक सामने ये भांजी है, और ये मेरी दीदी है, ये मेरी माँ है, इसको तो आप देखे हैं, पहचानते भी है, और ये गाइस बड़े भाई जी है, और सभी जो है भांजा भांजी है, पूरा घर भरा हुआ है, शादी सीजन ख़त्म हुआ। और चलिए यहाँ से ये शिवम कुमार है गाइस, इसको आप देख लीजिए, और डीएस की दुनिया में आप आ लोग आइए, सभी देखिए ये दामाद है, ये हमारे दामाद साहब है। तो गाइस आप समझ सकते हैं ये भांजी है, ये पूरा परिवार है, आज हम पूरे अपने ब्लॉग में भाई। चलिए अब सभी परिवार से आपको उम्मीद करवाए, विदाई करवाएंगे और आगे फिर आपके साथ आते रहेंगे डीएस की दुनिया के साथ, आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। जय हिंद दोस्तों।